भगवान ने देवताओं से कहा था, अनसन सहित मनुज अवतारा में तीन बात बड़ी मधुर है। अनसन सहित अवतार कौन? मनुज अवतारा। कहां? वंश उदारा। प्रभु कहते हैं कि मैं अंशों सहित आऊंगा, हम आप भी भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव। जीव क्या है? ईश्वरांश है। गीता जी में कोई श्लोक है, ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव भी मेरा अंश है। और भगवान वहां कह रहे हैं देव स्तुति सुनकर, अनसन सहित कौन? मनुज अवतारा ले हम दिन कर वन। सूर्य वंश उदार वंश क्या है? उदार वंश है। उदार कौन है? जिसके द्वार कोई भी आए तो खाली न जाए, वो उदार है। एक श्वाक वंश की परंपरा है। हम चाहते हैं कि हमारे घर में भी भगवान का कोई अंश प्रकट हो, तो हमको हमारे जीवन में उदार होना होगा। उदार स्वभाव होता है, व्यक्ति उदार नहीं होता है। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। देखिए, कमी किसी को नहीं है, न मन की, न जन की, न तन की, न धन की। कमी किस बात की है? उदारता की कमी। उदार के द्वार पर भीड़ लगी ही रहती है। जो उदार है, उदार उसी के द्वार लोग सजे रहते हैं। भगवान उदार है। प्रवचन स्टाइल एताहि देई गति राम उदारा सबरी के आश्रम पर उधारा। सबरी के कबंध को भगवान ने गति दिया, उसके पूर्व गिद्धराज जटायु जी को गति दिया, इसलिए गोस्वामी जी यहां कहते हैं ताहि दे गति राम उदारा। जाति हीन यघ जन्म मही मुक्त कीन असनारी, महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही बिसारी।
राम जी क्या है? उदार है, सूर्यवंश उदार है, रघुवंश सूर्यवंश इक्ष्वाकु वंश उदार वंश है। और जो वंश उदार होता है वही भगवान का अवतार होता है। सुनिए नहीं, इसको समझिए और कोशिश करिए कि हम उदार वंश के प्रथम नागरिक बने। हमारे बाद की जो पीढ़ी आवे वो उदार बनकर आवे कि द्वार पर कोई खाली न जावे, ऐसी पीढ़ी निर्माण करो। हमारी संख्या नंबर एक, हमारे बप्पा जी का किए ऐसे कोनो अर्थ नहीं निकलता, हम क्या करेंगे इसका अर्थ है। भगवान ने क्या कहा, ले हम कर वंश सूर्य वंश उदार वंश है। महाराज मानधाता, महाराज दिलीप, महाराज अंशुमान, महाराज असमंजस, महाराज रघु, महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी, महाराज अज आदि आदि, एक परंपरा है उदारता की। हम ऐसे वंश में अवतार लेंगे जो उदार वंश है। चक्रवर्ती जी महाराज का कल परिचय आपने सुना था, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धारण करने वाले महाराज श्री चक्रवर्ती जी। स्वभाव कैसा, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय में भगवान की भक्ति, मति में भगवान। अस्तु, ले हम देन कर वंश उदार, भगवान उदार वंश में अवतार लिए, हम उदार हो, हम उदार बने। उदार कौन? दो त्याग भाव में रहता है वह उदार है। संग्रह भाव में तो बहुत लोग रहते हैं। जीवन में त्याग भाव उपस्थित हो, अनशन सहित मनुज अवतारा। रावण ने रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन्ह चह साचा। रावण ने मनुष्य के हाथ से मृत्यु मांगा है। भगवान रावण के मांग को सहज ही पूर्ण करना चाहते। अस्तु, मेरे प्रभु पूर्ण करना चाहते हैं। अस्तु, मेरे प्रभु मनुज शरीर में आते हैं।
स्वयं तो सरकार प्रकट हो गए, अब अंश आपको स्मरण होगा, प्रसाद के चार भाग बने थे, पूर्ण का दो खंड, आधा भाग बड़ी अम्बा को, आधे का दो खंड, एक भाग माँ कैकेयी जी को, पाप भाग का दो खंड दोनों मैया मिलकर सुमित्रा जी को दी। अब अंशों सहित भगवान के आने का संकेत है, बधाई बज रही है, गृह गृह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा कंकन, हर्षवंत सब जानता, नगर घर घर बधाई। क्यों महाराज के लाला भयो तो बधाई घर घर क्यों? राजा के सुख में प्रजा स्वयं सुखी हो जाती है। कब? जब राजा प्रजा को पुत्रवत स्नेह करता है। महाराज का चौथापन आ गया, हमारे परिवार में पुत्र रत्न नहीं उपस्थित हुआ, इसका स्मरण नहीं आया। कारण प्रजा ऐसा भाव रखती, महाराज उनमें पुत्र भाव रखते, लेकिन घटना सुखद उपस्थित भई। कह ये सोता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनम भयो, सुंदर सुत जनम भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वसुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई शारद अहिरा, ने एक और छोटी मैया श्री सुमित्रा जी ने दो पुत्रों को जन्म दिया, आनंद चौगुना बढ़ गया। वह सुख संपत्ति और जुटने वाला समाज, बाबा कहते हैं मैया से सरस्वती और शेष नारायण जी भी नहीं कह सकते, कह न सकई शारद अहिराजा। ऐसा लगता मानो अयोध्या जी में रात्रि ही भगवान से मिलने आ गई। ये रात्रि का स्मरण क्यों है? सुख का, आनंद का, मंगल का, प्रसन्नता का उत्सव रात्रि में ही और सुख वर्धन करता है। हम लोग जब दो सत्रों में कथा करते थे
तो उत्सव का सत्र रात्रि में ही होता था, प्रातःकाल प्रवचन वाला सत्र हुआ करता था। जन्मोत्सव मनाना है या तो रात्रि में, धनुष यज्ञ रात्रि में, विवाह रात्रि में, अभिषेक महोत्सव रात्रि में, दिन में प्रवचन हुआ करता था। उत्सव का आनंद लेना है तो रात्रि तक लोग प्रतीक्षा करते हैं, दिन भर व्यवस्था विहार में लगे रहते हैं और रात्रि में उत्सव होता है। यहाँ लोगों ने इतना यज्ञ भगवान की सेवा की कि धुआं की मेचकता धरा और गगन में छा गई। सूर्य भगवान आकर खड़े हुए लेकिन दिख नहीं रहे, क्यों? अत धुआं इतना लगा है कि क्या कहे आप। यहाँ भले नहीं दिखे, जो लोग जहाज से यात्रा करते हैं तो बादलों का दो तीन फेज दिखता है, जहाज बादलों को काट काट के ऊपर जाता है। तो अब जब धुआं छा गया तो सूर्य भगवान नीचे आ ही नहीं पा रहे। जहां बादल रहते हैं वहां केवल छाया दिखती है उनकी, सूर्य भगवान की रश्मियां नीचे नहीं आ पाती है, रोकता है। यहां भी रोक लिया। अस्तु बाबा कहते हैं, प्रभु ही मिलन आई अनुरा। एक महापुरुष कहते हैं, दिन को भगवान ने चुना तो रात्रि भगवान से ये निहोर करने आई, प्रभु मुझे तो सौभाग्य मिलेगा नहीं, मुझे आपने ही बनाया है। कोई अवतार यदि हमारे साथ भी हो जाए सरकार का तो हमको भी सौभाग्य प्राप्त हो जाए। तो भगवान ने कहा, यह मेरा रामावतार तो सूर्य भगवान के संग हो गया, अब जब कृष्णावतार द्वापर युग में लूंगा तो आपके साथ ले लूंगा। भगवान किसी का मन खराब नहीं करते, भगवान सबके मन का रक्षण करते हैं। बस शर्त क्या है, भगवान का हो जाओ।